मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आज पांचवें चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान है। इन 61 विधानसभा सीटों पर 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं इस दौरान प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी जिलों में वोटिंग हो रही है। पांचवें चरण के मतदान में जिन कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, डिप्टी सीएम भी चुनावी मैदान में है सिराथू विधानसभा सीट से। वहीं पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से उनके ऑपोजिट में खड़ी है। इसके अलावा पांचवें चरण में 1 बजे तक कुल 34.83% मतदान हो चुका है। 1 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में भी मतदान चल रहा है। अयोध्या में 38.79% मतदान हो चुका है। श्रावस्ती में 36.65% मतदान हो रहा है। वहीं चित्रकूट में और सुल्तानपुर में भी 34.61% मतदान हो चुका है। कौशाम्बी में 37.02% मतदान हो चुका है। वहीं लगभग अभी 3 घंटे का और मतदान बाकी है। 3 बज चुके हैं, शाम के 6 बजे तक मतदान होना है और लगातार मतदाता मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और अपने कई नए मुद्दों के साथ जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस बार का चुनावी मुद्दा हर बार की तरह अलग है। जितने चरण हो रहे हैं सब चरणों के मुद्दे अलग हैं। इस बार 2022 विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा। वही अभी 1 बजे तक कुल 34.83% मतदान हो चुका है और इसी मुद्दों पर 2022 चुनाव के पांचवें चरण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डीआर साहू जी मौजूद है। सर बहुत और इस मुद्दे पर वो हमारे साथ बात करेंगे क्या कुछ अलग है 2022 विधानसभा की चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से लगातार हर चरण में मुद्दे अलग अलग होते जा रहे हैं। बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो पश्चिमी में भी अपने अलग मुद्दे थे। अगर बात करें अवध की और पूर्वांचल की तो अवध पूर्वांचल के भी अपने अलग मुद्दे हैं, जिसमें सबकी नज़र अयोध्या विधानसभा सीट पर बनी हुई है पूरे प्रदेश की, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर एक अहम मुद्दा है। वहीं साथ ही साथ अखिलेश यादव जब चुनाव लड़े थे, पहली बार वो चुनावी मैदान में है, वो करहल से चुनाव लड़े थे, उस पर लगातार तंज कसा गया था। वहीं अगर बात मुख्यमंत्री की करें तो मुख्यमंत्री भी जब गोरखपुर से चुनाव लड़ने की बात कहे थे तो कई ऐसी बातें सामने आई थी। वहीं आज के चुनाव की बात करें, पांचवें चरण के चुनाव की बात करें, अगर आज की बात करें पांचवें चरण की बात करें तो कई ऐसे नए नए मुद्दे सामने आए हैं, कई लापरवाहियां भी सामने आई है। वहीं आज के चुनावी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डीआर साहू हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सर मेरा पहला सवाल आपसे, पांचवें चरण का चुनाव चल रहा है, कैसे देखते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश की पांचवें चरण जो है बहुत रोचक है, इसलिए कि फिर कमंडल और मंडल की कहानी और पूरा स्क्रिप्ट जो है वो जो 90 दशक में दिखाया गया था वो फिर आ गया, और उसमें कमंडल की प्रभाव और जो एक एक उसकी जो एक एक फल है, रिजल्ट है, वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। और मंडल और ओबीसी कंसोलिडेशन वो ज्यादा दिख रहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी छोटी छोटी जातियों की आधार पे उनको साथ में लिया है, जहां तक पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की बात करें। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बातें कुछ और थे जी। और जैसे अवध और पूर्वी क्षेत्र में आए पूर्वांचल की तरफ, तो उसमें लगा कि प्रतिक्रियाएं सब तीखी हो गई, बहुत ही शार्प अटैक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो या चाहे वो समाजवादी पार्टी को, और उसमें ये दिखाया जा रहा है कि केवल लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए अच्छा है, जो सत्ता है सरकार में है, और जो सत्ता में नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो कह रहे कि बेरोजगारी, महंगाई, छुट्टा जानवर की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहराइच की जो जनसभा हुआ और उसमें माननीय मोदी जी का जो
विचार आए, उसमें हमको लगा कि छोटा जानवर के लिए भी कोई संवेदनशीलता बढ़ी है, और उसमें ये कह रहे कि भाई ठीक है इसके लिए एक एक, एक सोची समझी कार्यक्रम लाया जा रहा है, और माननीय मोदी जी ने भी कहा ये बात कि भाई 900 रुपये तक हम देंगे। और जहां तक अखिलेश जी की बात है, उन्होंने कहा कि 5 लाख तक हम कंपेंसेशन दे सकते हैं। और भले ही आप कांग्रेस की 19 में आपने देखा होगा इसके बारे में बात किए थे, लेकिन इतना असर नहीं पड़ा। लेकिन 2022 में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जातीय समीकरण और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जैसे कि स्थानीय समाज की समुदाय की समस्याएं हैं, जैसे जानवरों की बात है वो भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बेरोजगारी महंगाई उसको लेके पूरी विपक्ष विभिन्न तरीके से सरकार को जो सत्ताधारी राजनीतिक दल है उसको घेर रहे हैं। जी डीआर साहू जी, अब ये देखना है। जी डीआर साहू जी, हम इस मुद्दे पे बिल्कुल आएंगे, विकास के मुद्दे पे बिल्कुल आएंगे, क्या मुद्दे बिल्कुल, लेकिन उसके पहले ये जान ले कि 3 बज चुके हैं और अभी तक 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत मात्र 34.83% हुआ है। क्या रफ्तार बहुत धीमी नहीं नजर आ रही है, जिस तरह से 3 बजने वाले हैं और 6 बजे तक चुनाव समाप्त हो जाएगा? लेकिन ये बात है कि चुनाव की प्रक्रिया में यदि आप 34 कह रहे हो, हो सकता है वहां 40 हो गया हो, सूचनाएं कम हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो पिछले 2017 में 2019 में जैसे चुनाव की मतदान का परसेंटेज आया था लगभग वही आएगा, ये मेरा आकलन है। जी यार साहू जी, अगर बात किया जाए तो अभी रायबरेली से एक वाकया सामने आया है जहां से एक 13 साल का बच्चा मतदान केंद्र पर पहुंच गया और जब प्रशासन द्वारा उसका आधार कार्ड देखा गया तो उसे हालांकि वापस घर लौटा दिया गया, लेकिन ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि 13 साल के बच्चे का नाम वोटर लिस्ट में है, किस तरह से इस वाकया को आप देखते हैं? देखिए चुनाव की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती है और उसको लेके हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो इत्तेफाक की बात है कि उनको लौटा तो दिया गया, तो इसको एक छोटी छोटी घटनाओं को लेके हम कोई कोई सामान्यकरण नहीं कर सकते। जी वही, कई जगहों से लगातार साहू जी ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही है, पिछले 4 चरणों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई है, तो कितनी लापरवाही देखते हैं आप इसमें प्रशासन की? ये एक संवेदनशील बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रशासन और चुनाव आयोग और इस सब चीजों में यदि इस तरह की दिक्कतें होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, और ये बैकअप यदि नहीं है तो ये चुनाव आयोग और एक प्रशासन की ये कमियों की गिनाया जा सकता है। जी वही डीआर साहू जी, अगर हम बात करें सीटों की तो सरातू सीट भी एक हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद वहां से चुनावी मैदान में है, पल्लवी पटेल भी इस बार बेहद दमदार तरीके से चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात कुंडा विधानसभा सीट की करें तो अब यह बेहद संवेदनशील मामला है, वहां से सामने आ रही है जिस तरह से नामांकन में भी हमला हुआ था, हालांकि प्रशासन ने कहा था ऐसा कुछ मतलब नहीं है, कोई सोची समझी साजिश नहीं, लेकिन फिर आज जिस तरह से गुलशन यादव पर हमला किया गया है तो क्या कुछ किस तरह से इस घटना को आप देखते हैं और क्या कुछ बातें सामने आती है, क्या कुछ इसका असर वहां की जनता पे भी पड़ेगा क्योंकि 2 बार हमले हो चुके हैं गुलशन यादव पे, गुलशन यादव पुलिस प्रशासन से पहले ही मदद मांग चुके थे ट्वीट करके कि उन्होंने यूपी पुलिस को ट्वीट करके लिखा था कि उनकी और उनकी पत्नी की जान को खतरा है, तो किस तरह से इस पूरे वाक्या को देखते हैं, आज फिर ऐसा एक वाक्या हो गया है कुंडा विधानसभा क्षेत्र पर? देखिए सिराथू की बात हम समझते हैं, उसमें आपने कल देखा होगा डिंपल जी और जया जी, जया बच्चन जी आए जी, और थोड़ा सा उसका जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है बहुत गर्म हो चुका है जी। और उसमें ये कहा जा सकता है गंगा के छोरे और इस तरह की बातें जो देखते हैं, तो उसमें मैं तो ये सोचता हूँ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हो सकता है जीते, लेकिन कड़ी चुनौती मिल रही है
जी और वो कर एक एक रोचक व्यवस्था है। जहां तक आपने कहा कि कोंडा की बात कर रहे हैं, जी कोंडा उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है और उसके आधार पे जो राजा भैया की वर्चस्व है, जी इसको हर कोई जानता है। चाहे वो, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ भी उनका क्या संबंध था, जी बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या संबंध क्या नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी, उनका एक अलग राजनीतिक दल है उनका, लेकिन वर्चस्व है। वर्चस्व इसलिए है कि दो बार यदि कोई जीत जाए उसके बाद वो उनके संस्था में उस जो जो उनका जो विधानसभा क्षेत्र में यदि उनकी मौजूदगी उपस्थिति है और उसका बेहतर है, जी और तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक चुप्पी की संस्कृति काफी कारगर है, काफी बेहतर तरीके से चल रहा है, जी और जो आवाज की संस्कृति है अभी भी हल्के से अलग अलग जगह से आप दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कारगर नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुंडा जैसे क्षेत्र है, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्र है, वहां पे उनका है दबाव, है उनका एक दबदबा है, तो इसलिए उनका एक अभी वर्चस्व बना हुआ है, बल्कि वो अलग अलग राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं, जी चाहे वो बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो और भारतीय जनता पार्टी हो। जी डीआर साहू जी, अगर बात किया जाए अयोध्या की, तो अयोध्या राम मंदिर एक अहम मुद्दा रहा और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अच्छे तरह से भुनाई है। लेकिन वही जब बात तो स्टार्टिंग में हुई थी, तो जो जमीन के मामले थे उसको लेकर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहा है, कई मामले भी लगाए गए। तो एक जमीनी मुद्दा भी है और अगर बात किया जाए राम मंदिर की, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया है, तो क्या कुछ फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, और किस तरह से पूरे इस वाक्य को देखते हैं? देखिए, अयोध्या एक आस्था की बात है, हिंदुओं की, हिंदू धर्म की आस्था है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल में हो। जैसे कि हमने सुना आज पवन पांडे जी को, और उन्होंने कहा कि सभी के लिए आस्था है, लेकिन जहां तक विधानसभा क्षेत्र की बात है और जहां तक उसकी आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो जमीन खरीद फरोख्त की बात कहे, चाहे वो विभिन्न स्थानीय लोगों की जो मकान है उसको तोड़ा जा रहा है, या जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, उससे बहुत जनता संतोष नहीं है, और ये बात भी निकल के आ रहे हैं। जी अब आस्था के आधार पे तो वैश्विक स्तर पे, आप वर्ल्ड के लेवल पे वो तो एक बेहतर है, जी लेकिन जहां पे इलेक्शन की बात करें, असेंबली की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो वहां पे क्षेत्रीय समस्याओं को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि एक स्ट्रैटेजिकली यदि माननीय मोदी जी यहाँ खड़े, योगी जी खड़े होते, तो सिचुएशन कुछ अलग होता। जी लेकिन जहां तक योगी जी को गोरखपुर में लड़ना पड़ा, और अयोध्या की बात को यदि देखे, तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे, तरह तरह की जो परेशानियां है, तरह तरह की जो जमीन को लेके समस्याएं है, और जहां तक अयोध्या की निर्माण है, मंदिर के निर्माण है, वो एक शुरू हो गया है, तो इसको लेके अब और कोई राजनीति का मुद्दा नहीं बन पा रहा है, बल्कि अभी जो है असंतोष की बात चल रही है। असंतोष में स्थानीय मुद्दे जैसे कि जानवरों की समस्या, जी और जिसको आपने देखा होगा हर जगह, आपने इवन माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने भी अपने अपने बात कर रहे हैं। तो अब मेरा ये मानना है कि इस अवध क्षेत्र और पूर्वांचल की जो कुछ क्षेत्र है, जी उसमें मेरा जातीय समीकरण और जातिगत आधार पे चुनाव की जो मतदान है, जो कि गलत है, जो कि ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इंडिया 75 लोकतंत्र की मजबूती के साथ, और हम अभी भी वही जाति धर्म से हम जुड़े हुए हैं,
जी डियर लेकिन साहू फिर जी भी आपने बिल्कुल सच्चाई और वास्तविकता है यही। जी आपने बिल्कुल सही बात कही कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, जाति और उसका मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से हमेशा हमेशा से उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत समीकरण पर ही आधारित रहा है, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ 40% महिलाओं को टिकट दिया, कहीं ना कहीं इस बार चुनाव का ध्रुवीकरण महिलाओं को बनाया, तो इस पूरे इस वाक्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मुद्दे बहुत बेहतर स्वागत योग्य है जे बहुत सारे अस्मिताओं की बात कर रहे हैं और ये भी एक अस्मिता है, महिलाओं की अस्मिता और वजूद की बात है। और एक ये एक आने वाले समय की एक मांग है, तो उसको एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस ने उठाया और एक कांग्रेस की जो सांगठनिक संरचना सांगठनिक ढांचा जो अब तैयार हो रहा है, इसको हम मानते हैं कि इसका उज्जवल भविष्य है। क्योंकि कांग्रेस ने इस बार उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी की अगुवाई में लड़ने की एक क्षमता और एक प्रदर्शन बहुत बेहतर किया है, लेकिन चुनाव में सीट के रूप में तब्दीली होना अभी भी उसके लिए अभी भी समय अनुरूप नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि स्क्रिप्ट तैयार हो गया है। और मेरा ये मानना है 2022 में यदि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की समर्थन से कोई सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आए और एक विपक्ष मजबूत हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक स्क्रिप्ट जो है 2024 के लिए अच्छी खासी तैयारी हो गई है। जी साहू जी, एक जो बात सामने आई थी कि विमेन्स आर नॉट वोटर्स ओनली, एक बात सामने आई थी प्रियंका गांधी के इस जो नारा है उसके बाद से, इसी क्रम में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी भी अब अपनी महिलाओं को एक्टिव कर रहा है। अब डिंपल यादव भी चुनावी मैदान में है, चुनाव प्रचार कर रही है, जया बच्चन भी जी भी है, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या प्रियंका गांधी सफल होती नजर आ रही है महिलाओं को विधानसभा चुनाव का ध्रुवीकरण बनाने में? क्योंकि एक नारा भी जिस तरह से महिलाएं दे रही थी लगातार कि वुमेन्स और नॉट वोटर्स ओन नाउ। बात सही है कि अब तो एक वैचारिक दृष्टिकोण से एक महिलाओं की अस्मिताओं को सामने एक स्क्रिप्ट की तरह तैयार की जा रही है, बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन ये इस बार 2022 के चुनाव में इसका रिजल्ट और इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, अभी भी हमको लगता है कि ये थोड़ी सी अभी समय है, अभी उसका 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 वो नहीं है। आप याद करिए 2019 के चुनाव में छुट्टा जनवर की बात आई थी, जी लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में, जो लोकसभा की चुनाव में कितनी सफलता मिली, जी बिल्कुल लेकिन अब 2022 की चुनाव में स्थिति अलग है। तो इसलिए इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन की स्टेज में अभी कांग्रेस है, अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं और इसका असर, उसका परिणाम, उसका एक एक इसका जो रिजल्ट है 2024 में आपको दिखाई देगा। जी वही अगर बात किया जाए तो पिछली बार 51 प्रत्याशी जीते हुए थे और इस बार 6 मंत्रियों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है, किस तरह से देखते हैं कितने मंत्री अपनी साख बचा पाएंगे? अगर बात वही बहराइच से अनुपमा जायसवाल जी की करें तो उनका अधिवक्ताओं द्वारा विरोध भी किया गया था साहू जी, उसके बाद उन्होंने समझाया, तो किस तरह से आप देखते हैं कि कितने मंत्री अपनी साख इस बार बचा पाएंगे? देखिए एक हमारी समाज विज्ञान में कहा जाता है एक अभिजन वर्ग और एक गैर अभिजन वर्ग, जी और उसमें दो बातें आती है, यदि आप कार्य करेंगे तो उनको पुरस्कार मिलेगा जी और यदि कार्य में कमी कमी आएगी तो उसको लोग सत्ता से हटाएंगे और एक आम आदमी की तरह उनको रख देंगे। जी तो उस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम कहें एलीट्स एंड नॉन एलीट की बात करें, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो एक सफलताएं हैं जी उसके लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व
और खास तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आकांक्षाओं की राजनीति और उसमें सफलताओं के साथ साथ एक सांगठनिक संरचना की मजबूती, जी संसाधनों की मजबूती और एक मतदाताओं की एक आकांक्षाएं, एक जी होप, जी वो काफी हद तक 14 को, 17 को और 19 को प्रभावित किया। लेकिन जहां से 2021 के बाद उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल में हमने देखा और अभी जो 5 राज्यों में हो रहा है, जी इवन उड़ीसा में आप देखिए पंचायती राज, पंचायत पंचायत की चुनाव और अर्बन लोकल बॉडीज की चुनाव हो रहा है, उसमें क्षेत्रीय दलों का दबदबा, जी एक वर्चस्व, उससे देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक आकांक्षाओं की राजनीति और उसको धरातल में जमीनी स्तर पे नहीं लाने में असफलताएं, दो महत्वपूर्ण बातें, बेरोजगारी, जी महंगाई और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो छुट्टा जानवरों की बात है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मैनिफेस्टो में, जिस घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बताया था, चाहे वो किसानों के लेके, चाहे वो जो भी महिलाओं के, हालांकि कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उस विकास की कार्यक्रम को लेके हर कोई राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, नहीं तो 2017 में इतने कार्य के बाद भी अखिलेश जी को और समाज, बस बहुजन समाज पार्टी की, दोनों की एक गठबंधन को भी लोक जनता उसको निकार दिया था और एक सरकार आई थी, लेकिन वो सरकार माननीय मोदी जी के लिए नहीं आई थी, माननीय मोदी जी के लिए ही आए थे, योगी जी के लिए नहीं आए थे, लेकिन योगी जी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके आधार पे सफल। लेकिन एक बात कह रहे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे, लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी हुआ, बेहतर हुआ, लेकिन लेकिन तुलना के आधार पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, जैसे एक बातचीत में पता चला वो दोबारा वही बात करते हैं, कल्याण सिंह जी के समय में सरकार शासन बहुत बेहतर था, मायावती जी के सामने समय समय में बड़ी लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया था, तो अब इनको कहते हैं, आरोप आरोप लगाते हैं कुछ लोग कि ये सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, और जो एक लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कहीं बहुत सारे लोगों को वो शरण में रखते हैं और बहुत सारे लोगों को हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे लोगों की जो जनमानस है उनकी मानसिकता में, उसमें अच्छी तरह से अभिव्यक्त हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार जो चुनाव है लहर विहीन चुनाव है, और एक चुप चुप्पी की संस्कृति है, एक चुप साइलेंट, एवरीबडी साइलेंट, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और 2022 की चुनाव में 10 मार्च में बहुत सारे लोगों का ये आकलन भी है, कहीं हंग असेंबली की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं लोग कह रहे हैं कि यदि भी कोई सरकार बनेगी वो पोस्ट पोल अलायंस ही आधार बनेगा। पोस्ट पोल अलायंस आप जानते हैं, जिसकी समर्थ होगा, जिसकी जिसकी मजबूती होगी और जो संख्या के माध्यम से जो आगे होंगे वो आगे निकलेंगे, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वास्तविकता ये भी हो सकता है। बात करें तो आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से यहाँ आ गई है, निषाद पार्टी की बात करें, राजभर की पार्टी की बात करें, AIMIM की बात करें, तो किस तरह से इन छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों और छोटे दलों के रोल को किस तरह से आप देखते हैं 2022 विधानसभा के चुनाव में? आम आदमी पार्टी अपने एक सांगठनिक ढांचा और एक अपनी मजबूती, अपनी एक उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, अच्छी बात है, और कांग्रेस अपने रिवाइव कर रहा है, जी और जैसे छोटे छोटे जाति आधारित दल है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। पंचम और 60, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, जी जी ये जो चरण है,
इसमें ये छोटी छोटी जातियों के समीकरण और उनकी नेतृत्व, उनकी अलायंस, गठबंधन जी बहुत प्रभावी करेगा और उससे सीटों में नुकसान भी होगा, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के लिए चाहे विपक्ष के लिए फायदे भी हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी को कभी भी नजरअंदाज मत करिए। आज भी उनके पास एक वोट बैंक है और खासतौर पे पंचम फिफ्थ स्टेज में, और आज जो चुनाव हो रहा है वो वहां पे भी एक स्पॉइलर भी हो सकते हैं और गेम चेंजर भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल को सत्ता में लाने में मदद भी कर सकते हैं। जी साहू जी, वही अगर बात किया जाए, अभी एक यूक्रेन और रूस का मुद्दा चल रहा है और हमारे संवाददाता अयोध्या में एक युवा से बात कर रहे थे, तो वहां युवा ने एक बात कही कि जिस युवाओं से पूछा गया आपका मुद्दा क्या है, तो उस युवा ने यह जवाब दिया और बड़ा ही प्रखर होकर उसने जवाब दिया कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से वहां पर एक बात सामने आई, अगर आप भारत का झंडा दिखा देते तो वहां की सेना आपको कुछ नहीं बोलेगी, और वो लगातार देश के प्रधानमंत्री की तारीफ किए जा रहा था। तो यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दो चरण बचे हैं उस पर कितना कुछ हावी हो सकता है। ये बात सही है। भारतीय समाज एक भावनाओं की, इमोशन की एक, उसका बड़ा रोल प्ले है, प्ले रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आपने देखा होगा चुनाव की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए चरणों में, अब इतिहास को उठा के देखें, कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो पूरी स्थिति बदल जाती है। जी जहां तक यूक्रेन की बात है, ये कोल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, शीतल युद्ध की तरफ जा रहा है, और भारत से बहुत उम्मीद की जा रही है, लेकिन ये कूटनीति को लेके उत्तर प्रदेश के चुनाव को जी जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जी मतलब इसका कोई फायदा नहीं, दो चरणों पे इसका कोई वो। वही अगर बात अपना दल की करें तो अपना दल दो गुटों में बंट चुका है, एक तरफ माँ और बड़ी बेटी की पार्टी, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी। कितना कुछ असर इसका होगा साहू जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रीय दलों की एक अपना क्षेत्र में थोड़ी सी वर्चस्व है, जी लेकिन जिस तरह से अपना दल अपने उद्देश्य और एक एक सांगठनिक संरचना के साथ साथ अपने मौजूदगी को, उपस्थिति को दर्ज किया था, आज की तारीख में वो उपस्थिति नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसमें एक डिविजन, एक एक बंटवारा दिख रहा है। हो सकता है कि उनकी जो बेटी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जी लेकिन हमको इस बार चुनाव में लग रहा है कि उनका नुकसान हो रहा है जी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी अब बात फिर से हम एक बार मुद्दों की कर लेते हैं। आपको लगता है कि इस बार कोई मुद्दा हावी नहीं हो पाया है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के मुद्दे अलग रहे हैं, हर चरण के मुद्दे अलग रहे हैं, और इस बार बुलडोजर की बात हो रही है। देखिए, बुलडोजर एक सिंबॉलिक है और उसमें ये कहा जा रहा है कि माननीय योगी जी के माध्यम से कि मैं जीरो टॉलरेंस की बात करता हूँ, किसी को बख्शूंगा नहीं, जो भी गलत है, सलत है, उसको हम उसकी उसको 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 हम हटाएंगे। ये बात कहीं तक, कहाँ, कहीं ना कहीं उसको प्रभाव तो है, लेकिन इसमें एक आरोप भी है, सिलेक्टिव बुलडोजर सिस्टम। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विपक्ष के दल इसको सामने लाए हैं। जी अब जनता उस क्षेत्र में रहते हुए उनकी आकलन से ये पता चलेगा, उसकी मतदान से पता चलेगा क्या ये कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो 10 मार्च के बाद पता चलेगा। जी लेकिन ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों की ने उनको बहुत अच्छे से चुनौती दिया है। जी अब मेरा ये मानना है, या तो सरकार किसी निर्णायक रूप में कोई आ सकता है, चाहे कोई भी दल हो। दूसरा ऑप्शन है कि एक हंग असेंबली की तरह
पोस्टपोल अलायंस के आधार पे चुनाव की और प्रक्रियाओं के आधार पे एक सरकार बनेगी, जी और तीसरा ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की थोड़े बहुत मदद लेके सरकार में आ सकते हैं। जी ये एक समीकरण हो सकता है, लेकिन फिफ्थ स्टेज में अभी भी आकलन करना मुश्किल है, लेकिन चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मजबूती से विपक्ष, खासतौर पे समाजवादी पार्टी, अपनी को मजबूती से उसको विरोध कर रहा है और एक बेहतर स्थिति में अपने को पाया जा रहा है। जी मुकाबला कड़ा होने वाला है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। साहू जी, हम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, दो चरण के चुनाव अभी और भी बचे हैं, क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे आप कि बाकी के दो चरणों में जनता क्या कुछ उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो एक समाज विज्ञानी हूं और एक लोकतंत्र की जो मजबूती के लिए मतदान अधिकार को खोना नहीं चाहिए, सभी लोग मतदान दें और उसको एक विकास की संदर्भ में जी अपने स्थानीय समाज की, स्थानीय क्षेत्र में जो आप अपने जो भी चुनावी रणनीति में और चुनाव चुनाव में जो लोग खड़े हैं, कौन बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जी परफॉर्म और पेरिस, या जी तो काम करिए या तो हटाइए, जी इस आधार पे विकास को मुद्दों के रूप में देखें और स्थानीय समस्याओं को एड्रेस करने की जो भी कैपेसिटी या क्षमता रखते हैं उन सभी व्यक्तियों को लाए, उसमें चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हो, चाहे वो विरोधियों की अच्छे नेतृत्व के आधार पे आने वाले समय में आपको मदद करने वाली उम्मीद हो, इन सभी के आधार पे अपने अपने स्तर पे मतदाताओं को आकलन करते हुए विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रत्याशियों को जिताएं और मतदान जरूर दें। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डीआर साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक डीआर साहू हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि क्या कुछ मुद्दे हैं, उन्होंने अपनी राय रखी, उन्होंने अपना विचार रखा। एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक कुल 34.83% मतदान हो चुके हैं, वही अयोध्या में 38.79% मतदान हो चुके हैं, बहराइच में 37.25% मतदान हो चुके हैं, सुल्तानपुर में 34.61% मतदान हो चुके हैं। वही अगर बात किया जाए तो लगातार लोग चुनावी मुद्दों पर अपना मत रख रहे हैं, लोग जा रहे हैं, विकास के मुद्दों पर लोग वोट दे रहे हैं अलग अलग जगह से। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है। तो लगातार अगर हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, तो 2022 विधानसभा चुनाव एक मुद्दों पर आधारित नहीं रहा है, कई मुद्दे जैसे जैसे अलग अलग चरणों में मतदान बढ़ता गया है मुद्दे भी बदलते गए हैं, और इस बार क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।